अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरीद खान और नेशनल सेविंग के अपडेट, प्राइवेट बैंकों के अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से ही, हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जो हम आपके लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो बेसिकली नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड है। आप लोगों ने सवाल किया है और एक सवाल कुछ इस तरह घूम घाम के हमारे पास आ रहा है कि हमने सोचा इस सवाल का जवाब हम इस वीडियो के ही थ्रू दें। बेसिकली ये आपका सवाल ही था जिसको हम वीडियो में दे रहे हैं, क्योंकि शायद फ्यूचर में भी हमें बहुत ज़्यादा ये सवाल मिलें, ठीक है, और अभी भी हर एक दिन बाद, 2 दिन बाद लोग हमसे इस सवाल के बारे में पूछ रहे हैं। अच्छा, सवाल कुछ इस तरह है कि सवाल जो है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड है, जो कि गवर्नमेंट का बैंक है। तो सवाल ये है कि क्या IMF NBP के ख़िलाफ़ ही कार्रवाई कर सकती है, जैसे कि NBP ने आपके 3 बैंकों यानी कि SME बैंक, फर्स्ट वीमेन बैंक और ज़रिए तरक्याती बैंक के बारे में कहा है कि लॉस में है, या तो उसको सेल आउट कर दो, किसी बैंक के साथ मर्ज कर दो, या फिर क्लोज कर दो, ठीक है। तो ये सवाल है, क्या चूंकि वो 3 बैंक भी गवर्नमेंट के हैं और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान भी गवर्नमेंट का है, तो सवाल आप लोग जो हमसे कर रहे हैं वो ये कि क्या IMF NBP के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई कर सकता है। सवाल बहुत अच्छा है और इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हमने सोचा इस पर एक कम्प्लीट वीडियो हमें बनानी है। अच्छा, देखिए, IMF है क्या? IMF पहले समझ लेते हैं, IMF क्या है। IMF एक इदारा है, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, जो करता क्या है, जिन ममालिक में फाइनेंशियली इश्यूज चल रहे होते हैं, उनकी इकनॉमी डाउन होती है, उनके पास पैसे नहीं होते, उनको IMF कर्ज देता है, ठीक है, और सूद समेत वापस लेता है। ये IMF है, ठीक है। अब कर्ज देने के बाद वो कर्ज वापस किस तरह लेता है, इंस्टॉलमेंट पे लेता है। तो IMF कर्ज देने के बाद उन ममालिक को सजेशन देता है, गाइडलाइन देता है कि आप मुल्क के अंदर ये चेंजेस करो, इससे होगा ये कि आपकी इकनॉमी ऊपर जाएगी और आपके पास जो है वो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, मतलब प्रॉफिट आप गेन कर पाएंगे। इससे जो है IMF को क्या फ़ायदा होगा, IMF को ये फ़ायदा होगा कि उसकी इंस्टॉलमेंट जो उसने कर्ज दिया था, उसको जो इंस्टॉलमेंट रिसीव होगी उसमें कोई मसला ना आए, मतलब मुल्क के पास इतने पैसे हो कि वो उसके इंस्टॉलमेंट बआसानी जो है वो अदा कर सके, IMF के इंस्टॉलमेंट। जिन ममालिक में IMF को ये खौफ होता है, ये डर लगता है कि भाई उस मुल्क में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन चल रहा है और वो मुल्क जो इंस्टॉलमेंट के पैसे वो बआसानी वापस नहीं कर पाएगा, ठीक है, या फ्यूचर, तो उस पर वो थोड़ा सख्ती बढ़ा देता है, ठीक है। और फिर जब आप दोबारा उनके पास कर्ज लेने जाते हैं तो फिर वो कहते हैं कि हमने जो पहले सजेशन दिया था उसका बताओ, उस पर आपने क्या अमल दरामद कराया, ठीक है। तो IMF ने इन SME बैंक, फर्स्ट वुमेन बैंक, ज़रई तरक्याती बैंक, इनके बारे में कहा है कि ये आपके तीनों बैंक गवर्नमेंट के बैंक हैं, लॉस में हैं। तो इस उनके IMF ने सजेशन दिया कि भाई आप इनका कुछ करें, ये मुसलसल लॉस में कुछ करें, मतलब किसी बैंक के साथ मर्ज कर दे, किसी प्राइवेट बैंक के साथ मर्ज कर दे, गवर्नमेंट बैंक के साथ मर्ज कर दे, या फिर बंद कर दे, ताकि जो लॉस दे रहा है गवर्नमेंट को, ये लॉस ना दे। अच्छा, पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री है कि पाकिस्तान में अभी तक कोई को बैंक क्लोज नहीं हुआ। स्टेट बैंक के टर्म्स एंड कंडीशन बहुत ख़तरनाक है, वो किसी बैंक को ख़त्म होने नहीं देता, उस बैंक को किसी दूसरे बैंक, वो उस बैंक को एक टाइप के बोली लगाता है और बाकी बैंकों को इन्फॉर्म करता है कि ये बैंक सेल आउट होने वाला है, जो बैंक इंटरेस्टेड है इसको लेने के लिए वो मार्केट में आ जाए। वो बैंक मार्केट में जो लोग इंटरेस्ट होते हैं, HBL या दूसरे वगैरह, वो कहते हैं कि भाई हम इंटरेस्टेड इस बैंक को परचेज करने में। तो उसके बाद जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो ड्यू डिलीजेंस की परमिशन देता है उस बैंक की, कि आप ड्यू डिलीजेंस करें उस बैंक का जो बिक रहा हो, और फिर जो बैंक अच्छा ऑफर देता है, स्टेट बैंक कहता है उस बैंक को जो डूब रहा हो या बंद हो रहा हो कि भाई ये इनकी अच्छी ऑफर है, आप इनके साथ डील कर लो। स्टेट बैंक के जो टर्म्स एंड कंडीशन और स्टेट बैंक की मौजूदगी में ये बैंक उस बैंक में मर्ज हो जाता है। तो ये स्टेट बैंक इस तरह काम करता है, बहुत परफेक्ट काम करता है। पूरी दुनिया में बैंक दिवालिया होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता कि आपका स्टेट बैंक, अल्लाह का शुक्र है, बहुत स्ट्रांग है। तो जनाब, ये सजेशन दे दिया है अब IMF ने कि इनको बंद करो या क्लोज करो या मर्ज करो। स्टेट बैंक की तरफ से हमारी नॉलेज में, हमने कहीं नहीं देखा, हमारी नॉलेज में नहीं, कोई प्रेस रिलीज नहीं हुई कि IMF इन बैंकों के खिलाफ कोई एक्शन ले रहा है।
जो हमने वीडियो बनाई थी कि उसमें IMF ने ऐसा कहा था, ठीक है, लेकिन उसके बाद कोई अपडेशन नहीं, मतलब स्टेट बैंक ने कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं की कि बंद कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, अभी तक कोई अपडेशन नहीं आई है, ठीक है। IMF ने यही कहा था 3 महीने में करना, अब उसको क्लोज करें दिसंबर तक जो है वो कुछ करें इसका, तो अभी तक इस जो गवर्नमेंट की तरफ से इन बैंकों के बारे में कोई डिटेल्स नहीं आई, तो मतलब ये कि हो सकता है स्टेट बैंक ने कुछ चेंजेस किए हों जिसकी वजह से बैंक या तो जो उसका लॉस था वो लॉस से बराबर हो गया हो, या फिर प्रॉफिट में आ गया हो, या फिर अंदर अंदर जो है स्टेट बैंक इसको किसी के साथ मर्ज कर रहा हो। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की। देखिए IMF की डिटेल मैं आपको बता चुका हूँ, तीनों बैंकों आपकी डिटेल्स बता दिया। अच्छा नेशनल बैंक क्या है? नेशनल बैंक गवर्नमेंट बैंक है। नेशनल बैंक जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट बैंक नहीं है, वो पाकिस्तान का मेन बैंक है, ठीक है। नेशनल बैंक गवर्नमेंट का वो बैंक है जो पाकिस्तान जो भी बैंकिंग के टर्म्स एंड कंडीशन है गवर्नमेंट लेवल पर पूरे करता, मतलब ये है कि एक प्राइवेट बैंक जो काम कर रहा होता है वो सारे NBP भी वो सारे काम कर रहा होता है, ठीक है। जस्ट लाइक प्राइवेट बैंक एक HBL ले ले, जो काम HBL कर रहा हो वो NBP भी कर रहा होगा, लेकिन HBL प्राइवेट बैंक है, NBP गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बैंक है। IMF जो है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, ठीक है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट का बैंक है हमेशा। मेरे लिहाज से जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है ये प्रॉफिट में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि तमाम गवर्नमेंट के जो अकाउंट हैं, गवर्नमेंट के जो प्रोडक्ट हैं, कस्टम की जो ड्यूटी है, जो पोर्ट पे वारफेयर डैमेज है, डिटेंशन है, स्पेशली इसका कस्टम हाउस में जो ड्यूटी पेड होती है, जो लोग इंपोर्ट कर रहे होते हैं उसकी जो ड्यूटीज है वो सारी नेशनल बैंक में जो है वो जमा हो रही थी। तो नेशनल बैंक जो है वो मैं क्या कहूँ, उसका प्रॉफिट जो है वो आप प्राइवेट बैंक से कंपेयर ही नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा प्रॉफिट में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान होता है। क्योंकि गवर्नमेंट का बैंक है तो इसकी डिटेल्स हमें नहीं मिलती, प्राइवेट बैंकों की मिल जाती, गवर्नमेंट की बैंकों की डिटेल्स नहीं मिलती आपको। तो NBP को आप किसी प्राइवेट बैंक से कंपेयर भी नहीं सकते, NBP इतना पावरफुल है, इतने ज़्यादा उसकी इनकम के ज़राए हैं, हर किसी का टैक्स जो है और ये और वो सबका ताल्लुक जो है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से, तो उनके पास बहुत जो है वो बहुत बड़े बड़े अकाउंट्स हैं और उनकी इनकम बहुत ज़्यादा है। तो एक तो NBP कभी भी जो है वो लॉस में जा नहीं सकता, और दूसरा ये कि ऐसा बैंक नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में, उसके खिलाफ़ IMF कुछ बोल भी नहीं सकता, अगर बोले भी तो गवर्नमेंट उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि एक ही बैंक है ऐसा जो प्राइवेट बैंक के टक्कर का, मतलब जो प्राइवेट बैंक सारे काम कर रहा है वही नेशनल बैंक वो सारे काम कर रहा है, बल्कि प्राइवेट बैंक से भी थोड़ा आगे। तो एक तो बहुत स्ट्रांग बैंक है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, और दूसरा ये कि ऐसे बैंकों के बारे में जो 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 गवर्नमेंट का बैंक हो पूरे पाकिस्तान लेवल पर हो उसके बारे में NBP कुछ नहीं बोलता, ठीक है। सजेशन वो दे सकते हैं कि यार इसमें अगर चेंजिंग करो तो शायद नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जो है वो ज़्यादा अच्छा हो पाकिस्तान के लिए, सजेशन बहरहाल हो सकता है दिया भी हो या ना दिया हो, ये दे भी सकता है, लेकिन नेशनल बैंक के खिलाफ IMF कोई कार्रवाई ना कर सकता है ना करवा सकता है, और IMF की तरफ से नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं। तो आपका जो सवाल है कि क्या IMF NBP के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, लोगों को पेंशन आते हैं नेशनल बैंक में, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी आती है, तो नेशनल बैंक बहुत बड़ा बैंक है, बहुत कामयाब तरीन बैंक है और बहुत प्रॉफिट वाला बैंक है। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब भी मिल गया होगा, और वीडियो को बनाने का मकसद जो हमारे सब्सक्राइबर है उनके जहन में अगर कोई डाउट आ रहा है कि IMF ने जो है वो तीन बैंकों के खिलाफ ये एक्शन ले लिया है या फिर सजेशन दे दिया है ये बैंक क्लोज होने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, तो ऐसे कोई अगर डाउट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के बारे में भी आता हो तो हमने कोशिश की कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर दें। नेशनल बैंक इज़ द बेस्ट, और IMF उसके उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, ना ही कोई ऐसी वैसी आलतू फालतू सजेशन दे सकता है। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, रिक्वेस्ट आप लोग से, ये हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जब हम आप लोग वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से हो, नेशनल सेविंग के हवाले से हो, या फिर प्राइवेट बैंकों के हवाले से, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।